बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में मेंढकों का एक समूह रहता था। एक दिन सभी मेंढकों ने यह तय किया कि आज हम पूरे जंगल की यात्रा करते हैं। सभी मेंढक यात्रा करने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद यात्रा करते हुए समूह में से दो मेंढक गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं, जिसके बाद दोनों मेंढक बाहर निकलने का काफी प्रयास करते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी बाहर नहीं निकल पाता। ये सब देखकर गड्ढे के बाहर उन दोनों मेंढकों के साथी तेज आवाज में चिल्ला रहे थे और आपस में बात करते हुए ये बोल रहे थे कि तुम्हारी कोशिश करना बेकार है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो गड्ढे में से बाहर नहीं निकल पाओगे। गड्ढे में मौजूद दोनों मेंढकों में से एक मेंढक गड्ढे के बाहर सभी मेंढकों की ये बात सुन रहा था। ये बात सुनकर गड्ढे में मौजूद मेंढक बहुत निराश हुआ और गड्ढे से बाहर निकलने का प्रयास छोड़ दिया और निराश होकर अपने प्राण त्याग दिए। परंतु दूसरा मेंढक अभी भी पूरी तरह से गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करने में लगा हुआ था और गड्ढे के बाहर मौजूद सभी मेंढक उसका मजाक बना रहे थे और हंस रहे थे। बार बार प्रयास करने के बाद दूसरे मेंढक ने एक लंबी छलांग लगाई और गड्ढे से बाहर निकल गया। समूह के सभी मेंढक ये देखकर हैरान रह गए। जब सब ने पूछा कि उसने ये कैसे किया, तो उस मेंढक ने जवाब दिया, वो बहरा है। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलती है? जीवन में कभी भी नकारात्मक बात नहीं सुननी चाहिए।